दो भाई बहन रेणुका और वेणुका एक ही माँ के गर्भ से पैदा होती है, लेकिन दोनों का भाग्य जमीन और आसमान में बदल जाता है। बड़ी बहन रेणुका जिसकी शादी जगदम्बनी ऋषि के साथ की गई, जो एक बाबा जी की लुगाई कहलाई, और छोटी बहन वेणुका की शादी सहस्र बाहु राजा अर्जुन के साथ की गई, जो एक राजा की रानी कहलाई। शादी के बाद दोनों बहन बिछुई हो गई, अपनी अपनी ससुराल चली गई, लेकिन दोनों बहनों के बीच इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि जल में बसे कमोदनी और चंद्र बसे आकाश, और जोताई के भाव से सोताई के पास। बड़ी बहन रेणुका बियाबान जंगल में सुंदर आश्रम बनाकर के भगवान का भजन करती है, पतिव्रत धर्म का पालन करते एक पुत्र को जन्म देती है, जिसे आप सब जानते हैं, परशुराम। लेकिन परशुराम भी माँ बाप के साथ ज्यादा दिन नहीं ठहर पाया, गुरु कृपा से छोटी ही उम्र में शंकर भगवान की शरण में जाने की जिद करता है। तो माँ ने आशीर्वाद देकर विदा किया, लेकिन चेहरे पर थोड़ी उदासी देखी तो परशुराम ने कहा, माँ मुझे अंतर आत्मा से विदा कीजिए, ये बेटा तेरा कभी दूध नहीं ल जाएगा, और तेरे ऊपर कोई संकट आ जाए, इस बेटे की याद सताए, तो मुझे आत्मा से पुकारना, मैं हवा की भभूरी बनकर तेरी गोद में आकर बैठ जाऊंगा। इस तरह का आश्वासन देकर परशुराम चला गया। छोटी बहन वेणुका का पति सहस्रबाहु अर्जुन सेना के सहित भ्रमण करने के लिए चलता है, और उसी जंगल से गुजरता है जिस जंगल में बड़ी बहन रेणुका रहती है। रथ घोड़ा पैदल पलटन की ठोकर से जमीन की धूल आकाश में चढ़ने लगी, तो रेणुका देवी ने विचार किया, भगवान मेरा पति तो और भक्ति में लीन है, और इधर बिना पवन के धूल भरी आंधी चढ़ती आ रही है, क्या बवाल है, देखना चाहिए। तो कुटिया से बाहर निकलकर जब धूल भरी आंधी में देखा, तो छोटी बहन वेणुका नजर पड़ गई। बड़ी बहन रेणुका देखते ही मन में मगन होती है और विचार करती है, आज मेरी प्यारी बहन मेरे घर के सामने से कहीं जा रही है। तो बड़ी बहन का भज बढ़ता है, जैसा मान सम्मान हो घर बुलाकर करना चाहिए, ऐसी भावना लेकर जगदम्बनी ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, और किस तरह विनती करने लगी, रे रे बोला ले तेरा साटू तू बोला ले भीतर पौड़ी में, बोला ले तेरा साटू तू बोला ले भीतर पौड़ी में, ये थाड़ी साड़ी मारी लोड़ी भेण की धोड़ी में, बोला ले तेरा साटू तू बोला हमारे दानों में
भैया या कूक से बुलावे जाऊं पानी पावे बर्तन नहीं है का मैं रांड खुआऊं ई तो है राजा की जाके समझ नहीं आवे चांदी सोने के बर्तन में देखे दिन उठ भोजन पावे अब नहीं पार पड़ेगी वो से सेवा में कछु कमी रहेगी तो गाड़ी देगो तुझे जगदम्बी ऋषि ने मना कर दिया और कहा मैं उसे बुलाने जाऊं तो कैसे जाऊं वो एक राजा महाराजा और मैं एक फकीर बाबा जी तो रेणुका देवी ने कहा महाराज बुलाना तो पड़ेगा आखिरकार मैं तेरा साधु भाई है और जीजा साड़ी का तो वो रिश्ता है जो सब रिश्तों में हटकर है वो जी बार बार साधु कहकर के बोली तो कहीं जवाब दियो कहेंगे भैया ई पटेरे को गांडो नहीं रिजन नहीं रस को छाटो और हट मत पकड़े नार बता का साधु को ना दो रे तेरे लोरे साले को वाला मैं आयो रोना रे तेरे बागेर मैं बोला रे मेरे बोला रे तेरे लोरे साले को वाला मैं आयो रोना रे तेरे बागेर मैं बोला रे मेरे बोला रे भटरे को गांडो नहीं जब नहीं रस को छांटो और हट मत पकड़े नार बता का साधु को ना दो मैं इस नाते को भी नहीं मानता और उसे बुलाने भी नहीं जाता तो रेणुका देवी रुष्ट हो जाती है और बड़बड़ाते हुए कुटिया के अंदर बैठ जाती है कहवा लागी हो बाबा जी का बाबा जी तू कहीं जाने रिश्ते नातों के बारे में अरे मेरी छोटी बहन से नहीं मिलाया तो आज के बाद ना थारी सेवा करूंगी ना नाभा का से पानी भरूंगी लुगाई पे कहिया ही तो होवा करे सा चला दी कैसे इस महफिल के बीच कोई किसी भाई को साधु भाई बैठे हुए तो करो मत मैं जो वैसे मेरा देखवा में भी साधु को ना और किसान बुकी का आज तक कागज भी कौन बढ़िया या बिना लाइसेंस और बिना कागज को रिश्तो ऐसा तो रेणुका देवी रुष्ट हो जाती है जगदम्बी ऋषि ने विचार किया भगवान कहां का साधु भाई आया मेरा तो घर ही बिगड़ने वाला है और जब घर की लक्ष्मी रूठ जाती है उसका तो संसार रूठ जाता है हम तो घरवाली को खुश करने के वास्ते और साधु भाई को बुलाना ही होगा लेकिन बुलाने से पहले उसकी व्यवस्था के लिए भी कुछ करना होगा तो इंद्र भगवान को पुकारा और इंद्र भगवान को प्रसन्न करके काम बहन गैया और कल्प वृक्ष को कुटिया पर मंगाया फिर साधु के पास निमंत्रण लेकर गया कैसे इंद्र भैया मुनि ने ध्यान इंद्र को कियो काम धेने और कल्प वृक्ष को मंगा कुटी पे लियो बाबा जब साधु ढिंग आयो राम राम कह के नो तो बने स्वागत को फेतायो वो तो पे खटक नहीं सपड़ेगो तू का सेवा करो मुनि तो पे पानी को पड़ फेगो तू मते मोए निमंत्रण दे गए या चलते बाबा जी तू साधु मत कंदा फेल ले जगदम्बी ऋषि ने परिचय के साथ अपना निमंत्रण पेश किया तो सहस्र बाहु अर्जुन ने जवाब दिया ये साधु बाबा मुझे तो तेरा निमंत्रण स्वीकार है लेकिन बुलाने से पहले जरा ये नहीं सोचा मेरे साथ कितनी सेना होगी तू कहां बिठाएगा क्या खिलाएगा तेरे से पानी तक नहीं पड़तेगा मुझे जाने दीजिए ओ हो तो मत बगावे मोगू कैसे जैसो मेरे घर में राजा विषयी खुआंगो अरे हो तो जा तू भगदर सी तेरे घर की ले ले बाटे कैसे और टूटी तेरी फड़ी झोंपड़ी रे टूटे नहीं पहचाना और उसका मान अपमान कर दिया कहा वो फकीर बाबा जी तेरी टूटी झोपड़ी मुझे यहीं से दिखाई दे रही है जिसके अंदर कोई टूटी खाट भी पड़ी होगी क्या हीरा मोतियों के जड़े सिंहासन पर बैठने वाला राजा तेरी टूटी खटिया में जाकर बैठेगा कदापि नहीं हट मेरे सामने से
मान अपमान कर दिया, फिर भी जगदम्बी ऋषि अपमान को दूध की भूख समझ करके पी गया और हाथ जोड़ करके रस्ते में आडा लेट गया। रस्ते में आडा लेट कर कहने लगा, महाराज अगर जाना है तो मेरे ऊपर से तेरी सेना को निकाल करके ले जा, जिंदा रहूंगा घरवाली को समाचार बोल दूंगा और मर जाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। ये गुलाबा मेरा नहीं था, आपकी बड़सास का था। सो सहस्रबाहु अर्जुन खड़े के खड़े ही रह गए और अपनी घरवाली वेणुका की तरफ झुक कर इशारे में पूछने लगे, रे भाई अब कहीं की हो जावे। तो लुगाई रानी वेणु का क्या जवाब देती है, कहे भैया के राजा रानी माई झांके और भटीर बहन को प्रेम के होड़ी राजा ने समझावे तो नर बिड सासु बाबा के पास क्या माया है। आसन से खड़ा होकर के और जब कुटिया के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है काम धेनु गैया बैठी हुई है और जो मांगे सोई परोस रही है। विचार किया करमाती चीज है तो साधु बाबा नहीं ये गैया है और इस गैया को तो साधु बाबा से लेकर ही जाऊंगा। मन में लोभ पैदा किया और कुटिया से बाहर निकल कर कहने लगा, रे साधु बाबा मजाक ऐसा मान सम्मान कहीं नहीं मिला जो तेरी झोपड़ी से मिला, लेकिन विदाई में थोड़ी सी कमी रह गई महाराज। अरे सब कुछ तेरे लिए लुटा दिया और फिर भी कमी रह गई, अगर कोई छोटी मोटी कमी रह गई हो तो उसे भी पूर्ण करूंगा। बता क्या कमी रह गई। बोल छोटी सी कमी है महाराज, आपके पास जो गैया है इस गैया को मुझे दे दे। ना 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 ना, ना। ये मेरे घर की गैया नहीं है और इसे मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे पास किसी और की धरोहर है और धरोहर का दान भी नहीं किया जाता। बोलो वाह, या तो राजी बाजी वरना गैर राजी गैया तो तुझे देनी हुई होगी। और कुटिया को चारों तरफ से घेर लिया। ए जी राजा बेईमान कुटी में आयो, कहते आप राजा बेईमान कुटी में आयो, कामधेन
पापी बैठी जब देखायो याकू दे दे बाबा मोकू कुड़िया के बदले मोर असर थी राज कहूं हो तो कू बस साफ मना कर दइए सेना लई सजाए मुनि की घेर कुटी जब लइए तो तब से सेना मार गिराई और ऐसी मार गई राजा के भिज को पीठ दिखाई जैसे नौ दस बार हर गोरण में मुनि दत्ता त्रे के चरण पकड़ लिए जाए भूख ने मन में इस तरह का नौ दस बार आक्रमण किया पर सौदा पार नहीं पड़ा। जगदम्बे ऋषि अपने कमंडल से पानी के छीके मारते छीके बाण की तरह जाकर चुभते पूरी तरह हार मान करके और सहस्रबाहु अर्जुन मुनि दत्ता तेरे की शरण लेता है जो उसका गुरु बताया है। कहने लगा महाराज त्रायमान त्रायमान एक छोटे से मायावी संत ने मेरा अपमान किया बदला लेने के लिए पूरी ताकत लगाई पर सौदा पार नहीं पड़ा। आज मैंने तुम्हारी शरण ली है और तुम्हारे पास तो वो शक्ति है जिसके सामने देवता भी नहीं टिकते मुझे शक्ति चाहिए तो शक्ति ले रे गुरु से आयो सेना लई सजाए कलर भे जगदम्बनी से धायो शक्ति छोट मुनि पे दइए बको हृदो दियो बैंड मुनि की निकड़ जान गैया गैया देख गई सरपुर में और देख पति को हाल नारे जो बैठी रोज बगल में समझाई समझी नहीं रतिया नहीं की सोच विचार और मोल अकेली छोड़ गोस मेरे प्रीतम प्राणी आधार मोय अकेली। एक साधु भाई ने दूसरे साधु भाई को खत्म कर दिया वो भी गैया के लोग में काम बंद और गैया भी हाथ नहीं लगी गैया जहां से आई वहां चली गई। तो रेणुका देवी जगदम्बनी ऋषि के चरणों में माथा पटक पटक कर रोने लगी और बेटे परशुराम को पुकारने लगी रे बेटा तू जहां कहीं भी है जल्दी आ अर्जुन माता संसार उधर गया कैसे कैसे भैया हे रे ले मोय अकेली छोड़ गो बाला मरंग रसिया रे मोय अकेली छोड़ गो बाला मरंग रसिया आजा गो दम का फैलाया फाटर छाटिया मोय अकेली छोड़ गो बाला मरंग रसिया आजा गो दम का फैलाया फाटर छाटिया मोय अकेली छोड़ गो बाला मरंग रसिया आजा गो दम का फैलाया फाटर छाटिया अवला रही प्यारे भमर कैसे करूं ललना तपे बन बीच में अब कौन पे दे रज धरू फेरी ने बदलो होलियो बेटा कुहेला दे रही देखो तो आधा लाल अब ला मात तेरी रो रही अरे सुन ले रे सुन वाला मैया की ले ले रहे लगी है रो मेरे सुन ले रे सुन बेटा मैं तो कार बातो मुंडर माथो खोल रे बेटा है तो कार बातो मुंडर माथो खोल रे भोजन करके लो नर बेटा मेरा तीर भैया भोजी करके लो नर बेटा मेरा लपक लपक मैं आ जा रे बाय।
कौन सी बीमारी हो गई, मैं काल कहां से आ गया, मेरा बाप तो काल से भी लड़ाई लड़ने वाला था, फिर भी बेटे से बिना मिले इस दुनिया से चला गया। माँ रेणु का बोली, बेटा परशुराम तेरा बाप ना काल से मरा और ना कोई बीमारी से, इसे मारा गया वो भी धोखे से, और धोखा करने वाला भी कोई और नहीं तेरा खास मौसा सहस्त्रबाहु अर्जुन है रे। अत्रे में परशुराम ने अपने हाथ में पलसे को उठाया और कहने लगा, माँ आज मैं सब रिश्तों को भूल करके वचन देता हूँ, जब तक मेरे पिता के बैरी को मारकर जमीन पर नहीं पटक देता तब तक पिता का क्रिया काज नहीं करूंगा। भक्ति के बल से, फरसे की सहायता से, और परशुराम ने सहस्त्र बाहु अर्जुन के ऊपर हमला बोल दिया, जिसके शरीर में सैकड़ों भुजा थी, एक एक को काट काट कर जमीन पर पटकार सिर भर से अलग कर दिया। पृथ्वी पर एक राज्य चलाने वाला चक्रवर्ती राजा परशुराम ने चरणों में मरा देखा तो अपने आप में एक घमंड पैदा किया, कठोर प्रण किया कि आज के बाद किसी माँ को एक दिन नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माँ मेरे बाप के मरने पर मेरी माँ ने छाती में 21 मुक्के मारे, तो मैं प्रण करता हूँ उस पृथ्वी को एक बार नहीं 21 बार भीड़ों से खाली कर दूंगा, क्षत्रिय हीन कर दूंगा। इतना सुनते ही माँ पृथ्वी कंपायमान हो गई, रे परशुराम तूने प्रण तो किया लेकिन बहुत गलत किया, मैं भी प्रण देती हूँ, तेरे किए हुए प्रण को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। परशुराम के साथ माँ पृथ्वी अपना प्रण लेती है और दोनों के बीच में प्रण की क्या व्यवस्था होती है, क्या हुए भैया? परशुराम ने भी पिता का क्रिया काज करके और प्रण को पूरा करने के लिए इतने यज्ञ किए, इतनी भक्ति की, सो आगे क्या होता है, क्या हो भैया? क्रिया काज पिता के किए, मैं भी रही न धरणी मुंह कर दो प्रण गजब के लिए, तो तब से धनुष बना लिए भाई, की पृथ्वी माता भजी बिचारी, शेष नाग ने आई, अब तो सुन ले शेष हमारी, मेरी शोभा सूर भी रहे तासु शोभा थारी, अब तो मैं ऐसी करो उपाई, परशुराम ने करी प्रतिज्ञा पूरी हो गए नाए। ओ जी, परशुराम ने धीरे धीरे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के वास्ते 99 धनुष तैयार कर लिए, एक धनुष बाकी रह रहा है, अगर 100 धनुष पूरा हो गया तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। इससे पहले माँ पृथ्वी शेष को पुकारती है, रे शेष मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्या मेरी थोड़ी सी मदद करेगा? शेष ने कहा, माँ मैं तेरे लिए हूँ और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बोलो मेरे लिए क्या आदेश है? अरे जब तू मेरी मदद करने को ही तैयार है तो बहस क्यों करता है, समय बहुत कम है और मदद करनी है तो जल्दी से छोटा सा बालक बनकर मेरी गोद में आ जा, मैं एक साधारण बुढ़िया बनकर तुझे लेकर परशुराम के पास जाऊंगी, बस मैं कहूँ जैसा करना। तो मैया बेटा दोनों जावे, कैसे? आप मैया बेटा दोनों जावे, टिकट बनी के बीच मनी जब ठहटे बिन कूपावे, बोलो परशुराम हो तारी, रात अंधेरी हो वाड़ी, तू कौन की है घर वाड़ी, अरे ओ दे पेड़ लो गड़ी रगे लामर बैठी से यारो, ओ दे पेड़ लो गड़ी रगे लामर बैठे से, रे कांसो खाई रे खांबू जाएगी रे, घोड़ा के तो बैठ बैठे घोड़ा के बैठ बैठे से। फिर भी माँ पृथ्वी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने चेहरे को घूंघट में छपाया, तो परशुराम ने फिर भाषा बुलंद कर पूछा, रे गुड़िया मैं तो ना तुझे रोकने वाला था ना टोकने वाला था, लेकिन तेरी व्यवस्था को देखकर पूछना पड़ा, एरे खांसो आई रे अलवेली, ओ खांसो आई रे अलवेली, और कोण बेस की रे वाड़ी, रे खांसो आई रे अलवेली, तो कोण बेस के रे वाड़े, तेरी गोदी में छोटो शोक लगे न जावाड़े, अरे
देना पड़ा और परिचय में क्या कहा, क्या कह भैया, तो मैया बेटा दोनों जावे विकट बनी के बीच में नींद ठाटे बन को पावे बोलो परस राम अवतारी कैसे ई रात अंधेरी हो वाली तू कौन की है घर द्वारे और मैं मुरैया वाला रे नारे तो प्यारे दुनिया से चले गए विधवा हो गई और बुढ़ापा में राम जी ने छोरो भी दियो तो जापा में ही ज्यादा होली हो गई। ना तो ये कुछ काम काज का है ना कुछ कर पाता है, बस इसकी जिंदगी के लिए ही मैं जी रही हूं। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि तूने खाना कब का खाया है, बस पूछा तो यही पूछा तू कहां से आई है और कहां जाएगी। परशुराम को दया आ गई कि वास्तव में ये तो बहुत दुखियारी औरत है। तो बापू परशुराम समझावे, बापू परशुराम समझावे तू कुटिया में रहे मेरी बहना पूरी भगत कट जावे लाला मेरो प्राण प्यारो कैसे तू कुटिया में बाबा छोरा उदम गारो कोई अपराध करे वो तेरो और तू देगो या तू दंड करे जा दुख पावे गो मेरो। परशुराम ने माँ पृथ्वी को साधारण गुड़िया समझकर डटने को कहा, ठहरने को कहा, तो माँ पृथ्वी ने कहा रे बाबा जी इस तरह डांटने वाले तो मुझे रस्ते में घने मिले, लेकिन मैं जानती हूँ ये संत लोग कितने क्रोधी होते हैं और मारे जो बुढ़ापा का छोरो है बड़ो उदम गारो छोरो है तेरा कोई भी अपराध कर देगा तो तू दंड देने से नहीं रोकेगा क्योंकि बुढ़ापा की संतान उदम गारी हुआ करे, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है और जब थारो कोई अपराध कर देगा तो तू दंड देने से नहीं रुकेगा। और माँ के सामने बेटे को दंड दिया जाए तो बता माँ की आत्मा पर क्या बीतेगी। तो परशुराम ने कहा मैं बुढ़िया बाबू परशुराम समझावे कुटिया में रह मेरी भेणा बुरी भगत कट जावे लाला मेरो प्राण प्यारो कैसे डटू कुटिया में बाबा छोरा उदम गारो कोई अपराध करे वो तेरो और तू देगो या वो दंड दे कड़े इस तरह की बात बताई और कहा कि मेरे सबर आए जब मन में और करो माफ अपराध का बाबा पानी ले लो कर में सो अपराध माफ मैंने किए कर मेरा विश्वास मुनि ने बचन नार को दिए और सौ अपराध को कूद गया तो दंड की मृत्यु दंड दूंगा बल ठीक है महाराज अब तो मैं तेरी कुटिया पर ठहर जाऊंगी। परशुराम ने कहा तू तो मेरी कुटिया में ठहर जाएगी लेकिन अब मुझे कुटिया छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा। अरे मैंने 99 धनुष बना करके तैयार कर लिए जो मेरी कुटिया के अंदर रखे हैं और 100वां धनुष बाकी है और 100वां धनुष पूरा करने के वास्ते अकेलापन और कठोर भक्ति चाहिए। तू मेरी कुटिया में डटेगी तो मुझे डिस्टर्ब होगा लेकिन तेरे खातिर मैं जंगल में निकल जाऊंगा। मेरे सोमवार धनुष को पूरा करके जब तक वापस नहीं आऊं
तू कहीं मत भटकना, मेरी कुटिया में रहकर तेरे छोटे धनों को निकाल लेना। ऐसा कहकर के परशुराम सौवें धनुष की तैयारी में जंगल को चला गया और माँ पृथ्वी शेष के साथ कुटिया पर ठहर गई। सो पीछा सुपाही होवे लो क्या हो गया पृथ्वी माता शेष नाग के सारे हाल सुनाऊ। ओ मैया बेटा सुबतरावे ऐसा मोखो शेष दोबारा फिर कभी नहीं आवे। तो बेटा कुटिया में जब आयो और देख इकट्ठे धनुष शेष नव मन ही मन हर्षायो। सबने उठा एकदम लिए और टोड़े सारे धनुष इकट्ठे कोने में धरे दिए। माँ पृथ्वी के सारे में और शेष ने परशुराम के निन्यान में धनुष तोड़कर कोटिया में डाल दिए। आगे सुनो कथा मन लाई, परशुराम ने तप के बल से लीनो धनुष बनाई। बाकु लेर कोटी में आयो सौ पूरे कर लिए मुनि जब मन ही मन हर्षायो। तो टूटे देख जाप घबरायो बाके तन में भरगो क्रोध एकदम लिखड़े कोटी से आयो। बाकु कुटिया बैठी पाई तेरो छोरा उदम गारो पूरी तरह धमकाई। या मुंह दंड दऊंगो मोटो करी कराई मेहनत खोदी कर्म की हो या मैं मोटो। परशुराम ने जाकर कुटिया में देखा तो एडवांस निन्यान में धनुष टूटे पड़े हैं। क्रोध में भर के बाहर निकला रे बुढ़िया तेरा बालक कहाँ है? शायद उसी ने खोटा कर्म किया है, आज तो उसे दंड नहीं मृत्यु दंड दूंगा। अपराध माफ मैंने किए एक रह रहे हो शेष क्रोध मैंने का कारण कर लिए। वचन देने वाले महात्मा तूने मेरे बेटे के 100 अपराध माफ किए थे, अभी तो मैंने मेरे बेटे ने 99 ही अपराध किए हैं और एक अपराध बाकी है, उससे पहले ही मेरे बेटे को मृत्यु दंड देना चाहता है। तू कैसा वचन देने वाला संत पुजारी है रे, दिया हुआ वचन याद दिलाया। तो दोनों भगा कोटी से दिए जगत के लिए जहां कहीं भी हो मंच में पधारे। तू कौन देश की रहवाड़े और तेरी गोदी में छोटो सो लगल झावाड़े। खासो आइए अलवे से तू कौन देश के रहवाड़े तेरे गोदी में लौड़ो सो लगल झावाड़े। खासो आइए अलवे से तू कौन देश के रहवाड़े तेरे गोदी में लौड़ो सो लगल झावाड़े। परशुराम ने दोनों माँ बेटों को भगा दिया और अपने धनुष को उठाकर भोले शंकर की शरण ली। तो भोले शंकर एडवांस में बोले रे परशुराम तूने तो प्रण किया था पृथ्वी को पीरों से खाली करने का, क्या इस अकेले धनुष के साथ तेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी? परशुराम ने कहा महाराज यही तो चिंता मुझे सताई जा रही है कि मेरे निन्यान में धनुषों को तोड़ने वाला मैं छोटा सा और साधारण बालक कौन था, और जब मेरे धनुष को ही तोड़ दिया तो वो साधारण भी नहीं हो सकता। भोले शंकर ने कहा रे परशुराम जब तो आज भी तेरी भक्ति अधूरी रह गई, जो तू बालक और बुढ़िया को नहीं पहचान पाया, वो साधारण बालक और बुढ़िया नहीं माँ पृथ्वी और शेष थे। अगर तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती तो माँ पृथ्वी बांझ हो जाती, क्या माँ की गोद उधड़ना तुझे अच्छा लगता? परशुराम ने माँ पृथ्वी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। माँ
मैंने आवेश में आकर जो प्रण किया बहुत गलत किया और धनुष को भोले शंकर की गोदी में डाल दिया। लीजिए भोले शंकर, इस धनुष के बीच मैंने तीनों देवताओं का बल विराजमान किया है और ये धनुष अजीत है, शायद ही कोई जीतने वाला इस धरती पर पैदा होगा। अब आप इसे आपके पास रखिए, जी चाहे जिसे दीजिए, बस मुझे तो आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी भक्ति के मार्ग से ना पलट जाऊं। परशुराम भक्ति का मार्ग लेता है, धनुष को भोले शंकर के लिए भेंट कर देता है। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद लंकापति रावण कैलाशों के प्रकम्मा लगाई और भोले शंकर सहित कैलाश पर्वत को हथेली पर धारण कर लिया। प्रसन्न होकर भोले शंकर ने कहा, रे रावण, तेरी भक्ति और शक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आज तो जी चाहे सो मांग ले। जैसे ही रावण की निगाह परशुराम के धनुष पर जाती है, कहने लगा, महाराज, ये अजीब सा धनुष पहले कभी नहीं देखा और देखा तो मेरा मन मचल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल ये धनुष चाहिए। भोले शंकर ने कहा, रावण, तेरी तो निगाह ही बड़ी वक्त है, ये परशुराम का धनुष किसी को देने योग्य नहीं था, लेकिन मैंने तेरे मांगने पर ये धनुष देना पड़ेगा, उठा ले, ये धनुष बड़ा हटीला है, से जाकर तेरी लंका में धरना, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में कहीं बीच में मत पटक लेना, और पटक दिया तो लात जतन कर लेना, फिर तेरे से नहीं हिल उठ पाएगा। महाराज, आप देने का काम कीजिए, ले जाने का काम तो रावण का है। तो रावण ले रहे धनुष जल दियो, शिव शंकर के लासी ने खेल गजब को कियो, सीमा जनकपुरी की आई, हर की लीला अजब निराली, मां पे सामक लगाई, भावो पिरो बदर मन गाडो, जोर झिलो हत नाए लंग पतीर यो गेल में खाडो। रावण धनुष को लेकर सोनभद्र नदी के किनारे राजा जनक की सीमा में जैसे ही पैर रखता है तो भोले शंकर चुटकी बजाते हैं और रावण को इतनी गजब पेशान लगाते हैं कि एक पग आगे नहीं धर पाया और स्वयं गाय चराने वाला ग्वाल बन के रावण के सामने आया। तो किस तरह मिलन हुआ रे? कहो भैया, ए रे लठाडो रे वो गेला में दस कंदर लंका जावाड़ो, मैं थोड़ी देर में आऊं, या को नीचे मत कर दीजो, बासु के बाड़ो न खेवे, तू बेगो आजो भैया मेरा थान धनस को लेवे, लीला तेरे लोखी की न्यारी, बाकी डटे नहीं थे साम, तो न्यासु के सासनो रे अगाड़ी। ओ जी, भोले शंकर ने धनस को कंधे में टाक लिया और रावण पेशाम करने के जरिए बैठ गया। सो घड़ी देर हो गई, पेशाम बढ़ती ही जा रही है, रुकने का कोई काम नहीं, बोर किसी कैप्टीन हो रही है। गैया भी आगे निकल गई तो भोले शंकर ने ग्वाल भैंस में कहा, रे भाई, कितना पेशाम करेगा, बहुत देर हो गई, या तो तेरे धनुष को थाम ले, नहीं तो मैं नीचे पटक दूंगा, बस थोड़ी सी गम राजा। अरे मोबू लगेरी अबोध यार मेरो, नंदी रोड़ की
भगवान शंकर धनुष को जमीन पर पटक कर चला गया, और जैसे ही धनुष को जमीन पर पटका रावण की पेशाब भी बंद हो गई। अपने आप को संभाला, धनुष उठाने के लिए पूरी ताकत लगाई, धनुष बज्जर का हो गया। विचार किया शायद सुबह भरे पेट से था, पेशाब के जरिए खाली हो गया, तो लंका जाकर पेट भरूंगा और बाद में धनुष को उठाकर ले जाऊंगा। लावण छोट संत को उठायो, सोण भद्र के धरे किनारे जनक राज घर लायो। जो सुवेंदर देख आठ बपी रघुवर ने तोड़ी, जो सुवेंदर देख आठ बपी रघुवर ने तोड़ी, वर माला गई है डर में लिए जब सीधा। ढांचा पार्टी जो भी हो मंच पर